Hello everyone and welcome in the next lecture of C++ Learn From Scratch. ये हमने last program जहाँ पर छोड़ा था उसमें basically हमने while loop को इस्तेमाल किया था और हमने बताया था कि while loop का एक और pair हम आपको एक नया तरीका भी बताएंगे. अच्छा, let's suppose के मैं यहाँ पर -1 लिख देता हूँ, ठीक है. अब यानी कि initial ही condition -1 की है तो बेसिकली ये लूप यहाँ पर आते ही फॉल्स हो जाएगी, ठीक है. तो लेट्स से हम इसको टेस्ट करते हैं, कंपाइलर रन करके इसको चेक करते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो कैसे वर्क करेगा. तो देखें, प्रोग्राम बेसिकली एक बार भी नहीं चला बल्कि चलते साथ ही एंड हो गया, क्योंकि वाइल की कंडीशन में ही हमारा टोटल प्रोग्राम था और वो वाइल की कंडीशन फॉल्स हो गई शुरू में ही और वाइल की कंडीशन चली ही नहीं. तो बहुत सारे एल्गोरिदम्स जब हम बना रहे होते हैं तो इस तरह के केसेस होते हैं जबकि हमारी इनिशियल वैल्यू ही सम टाइम वो फॉल्स कर सकती है वाइल की कंडीशन को, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कम से कम एक बार तो ये कंडीशन लाजमी ट्रू हो. यानी कि बेसिकली जैसे हमारे केस में हम चाहते हैं कि कम से कम एक बार तो हमारा जो प्रोग्राम है वो लाजमी चले, चाहे कि शुरू के अंदर वो जो हम इनपुट नंबर की वैल्यू है वो -1 ही शुरू में क्यों ना हो. तो उस काम के लिए जो हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो ये करते हैं कि सबसे पहले तो इस वाइल की कंडीशन को शुरू की बजाय एंड में डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन डाल देते हैं और यहाँ पे शुरू में जहाँ पहले वाइल था वहाँ डू लिख देते हैं. तो बेसिकली इस कंडीशन को डू वाइल लूप कहते हैं. वाइल लूप और डू वाइल लूप में ये फ़र्क है कि हो सकता है वाइल लूप एक बार भी ना चले जैसे कि अभी हमने देखा, लेकिन डू वाइल लूप कम अज़ कम एक बार लाजमी चलेगी और अगर एक बार चलने के बाद फिर चेक करेगी कंडीशन को कि आया वो कंडीशन जो है वो ट्रू है कि नहीं, ठीक है. वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करती है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो बॉडी एग्जीक्यूट करती है. डू वाइल लूप उसके रिवर्स करती है कि पहले बॉडी एग्जीक्यूट करती है फिर कंडीशन चेक करती है. इसलिए इस तरीक़ेकार में एक बार कम अज़ कम लाजमी तौर पर प्रोग्राम चलता है. जैसे कि अभी आप देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम हमसे इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है और अगर हम -1 एंटर कर देते हैं तो प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाएगा, वरना चूँकि हम नंबर की वैल्यू चेंज कर चुके होंगे तो बेसिकली वो क्या करेगा कि प्रोग्राम दोबारा चलता रहेगा. तो बेसिकली ये चीज़ होती है कि जिसके ज़रिए हम अपना जो प्रोग्राम है उसको कम से कम, अगर कोई एक लूप है उसको कम से कम एक बार लाजमी चलाना चाहें तो हम डू वाइल की लूप को इस्तेमाल करते हैं, वरना हम वाइल की लूप का इस्तेमाल करते हैं. सो ये बेसिक फ़र्क है जिसको अमूमन शुरू में स्टूडेंट्स को समझने में मुश्किल होती है. आप इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके इसको समझें तो इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसके इस्तेमाल से और आने वाले एरर से आपको लर्न करने को मिल जाएगा कि ये कैसे हेल्प करती है आपके प्रोग्राम्स के अंदर आपके अपने वे ऑफ स्टाइल में, ठीक है. तो इंडेंटेशन का जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आप लाजमी ख्याल रखा करें, तो बेसिकली ये आपको आपके प्रोग्राम की खूबसूरती में हेल्प करता है और रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करती है. तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. अगले लेक्चर में हम लूपिंग की एक और किस्म जिसको फोर लूप कहते हैं उसको सीखेंगे. तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.